जन्माष्टमी, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है तो नीचे प्रोग्राम रखा हुआ है, हम लोग तैयार हो गए हैं नीचे जाने के लिए। शंख भी बज गया वहाँ, जल्दी आओ बोल के, तो जल्दी नीचे जाना पड़ेगा। तो ये कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये हमारे उधर का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो शादी में ब्याह में सब चीज़ में ये वाला ही पहनते हैं। तो कैसा लग रहा है, पहनूँ कि नहीं पहनूँ, निकाल के जाऊँ? शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहन के निकाल के जाती हूँ, लोग नीचे कहेंगे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, ये कहाँ से क्या पहन के आई है, ऐसे कुछ कहेंगे, इसलिए मैं उतना ही करती हूँ। जाते हैं अभी, तैयार हो गए तुम लोग? सही लग रहा है ना? हाँ। पूरी रेडी हो गई थी, उसके बाद चूड़ी डालना भूल गई थी, इसलिए थोड़ा डाल लेती हूँ, खाली हाथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा चूड़ी डाल के। इधर से हमारा प्रोग्राम हो रहा है घर के नीचे, दिखाना जरा नीचे में। ये नीचे में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमारा घर की थोड़ी जगह है छोटा सा, तो वहाँ पे मंदिर बना के प्रोग्राम बना रखा है, तो वहीं पे बैठ के कीर्तन करेंगे हम लोग। जा रहे हैं, काफ़ी लोग तो आ भी चुके हैं नीचे, तो हम लोग भी जाते हैं नीचे, थोड़ा उधर में कीर्तन वगैरह कर लेंगे। देखो अभी बाहर का व्यू कैसा लग रहा है, ये इतना सुंदर लग रहा है अंधेरे में भी छोटा सा। ये दुकान है हमारी, वो सोसाइटी की दुकान है, वो छोटी सी जो घास लगी हुई है ऊपर से झोपड़ी, और वो गेट है। तो इस यहाँ पे भी जो पे मंदिर बनाया ना, वहाँ पे भी घास ही है छोटा सा, तो वहाँ पे मंदिर बना रखा है झोपड़ी जैसी है। तो ये वाला ये घास का जो हट बना रखा है, तो इस पे मंदिर बना रखा है हम लोग ने, तो यहीं पे होगा अभी पूजा। चलो अभी रेडी हो चुके हैं, जाते हैं अब नीचे। ये वाला खोल के जाती हूँ, थोड़ी देर पहले हो गया, थोड़ी देर अपनी शौक पूरी हो गई। देखो कैसा लगता है, ये अच्छा लगता है ना, हाथ में भी होते हैं हमारे उधर की पोंजी बोलते हैं ना, वो हाथ में भी पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। तैयार हो जा, कैमरामैन तो इधर ही है, ये लेट करेगा तो लेट हो जाएंगे, जल्दी चल तैयार हो जा। कितना टाइम लगेगा, हैं? जल्दी चल आ जा। चलो सब लोग नीचे आ चुके हैं कीर्तन में, तो हम लोग भी चलते हैं, आ जाओ खुशी, आ जाना थोड़ी देर में, आ जाओ। ये सोसाइटी है, सोसाइटी के बच्चे नीचे बैठे हुए हैं मंदिर के साइड में, जब पूजा होगी तो ये लोग भी आ जाएंगे साथ में। ये बैठे हुए हैं बच्चे, खेल रहे हैं, मीटिंग बना के बैठे हुए हैं कुछ कुछ। आ रहे हो मैडम? आज चले गए होंगे शायद। पहुँच चुके हैं नीचे कीर्तन मंडली में, तो कीर्तन शुरू हो गए हैं, तो हम लोग भी करते हैं कीर्तन। Five minutes later. मैंने भजन प्यारे लग रहे हो, थैंक यू, मैं ही प्यारी यार बचपन से। हैप्पी जन्माष्टमी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? काना बना रही थी अपने काना को, लेकिन वो काना बना ही नहीं, अब मेरा मन कर रहा है उसको काना रहने दो, मैं खुद ही राधा बन जाऊँ ना, तो यार मुझे शेर शोधा बनना पड़ेगा ना, समझ।
पूजा करो आप लोग, यहाँ देव की बनना पड़ेगा, तो जो राधा ही बनना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं दो तीन भजन गा गुन के पीछे बैठ चुकी हूँ और आगे गा रहे हैं। टफ वाले मुझे आते नहीं, मुझे थोड़े सिंपल सिंपल वाले आते हैं। ठीक है, मैंने ना काजल भी नहीं लगाया, अच्छी लग रही हूँ मुझे। ये कैसी रहती है बार बार निकालेंगे हम। हमारी पूजा हो चुकी है, अभी 12 बज चुके हैं, कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो अभी हम पूजा करके थोड़ी देर प्रसाद लेके फिर घर जाते हैं। कीर्तन भजन हमने अच्छे करे, बहुत बढ़िया किया, अभी भी कर रहे हैं ये लोग कीर्तन भजन, उधर कर रहे हैं हम, इधर मजीरा इधर बजा रहे हैं, और से बोल कह रही है मेरे को साइड साइड से। जन्माष्टमी हो चुकी है अभी, लेकिन हमको प्रसाद नहीं मिला है। भौजी ने 5 रुपए चढ़ाए, उसमें 10 रुपए चढ़ाए थे, 5 रुपए ले गए। साहब ये साहब उन्होंने जाओ प्रसाद चढ़ा मेरे। अगली बार से मैं आपको पंडित हायर नहीं करूंगी। हमारे पंडित जी रक्षा बांध रहे हैं। हरिओम, कुछ मंत्र भी पढ़ लो। नहीं, ये पंडित जी ने मेरा गाना नहीं लगाया, हम नहीं मानेंगे इनको। पंडित आपने गाना नहीं लगाया, बोला डांस नहीं किया, राधा तेरी चुनरी राधा तेरा छल्ला। आप मेरे अगर आप मेरे दो ये पंटर या थाली बजा देते ना, मैं उसमें भी मटर में भी डांस कर लेती है। लाओ लाओ, ये कृष्ण की ये स्पेशल है। ये मेरी थाली थी, तो ये मैं थाली ले जाऊंगी अपनी। और क्या था? शंख बजाते हुए जाना। शंख बजा लो। चाची आप क्या निकाल रहे हो? शंख बैलून। धोए धोए। हैप्पी बर्थडे तो हो गया ना। और कुछ था मेरा? ऐसा कुछ नहीं था, थाली थी। और ये प्रसाद भी मेरा ही है। हाय गब्बू गब्बू गब्बू। मैं लास्ट तक इसीलिए रुकी थी ताकि मैं ये ले जाऊं। हैप्पी जन्माष्टमी। आपको बैलून क्यों चाहिए? अपने बच्चे को दो। हाँ, इसीलिए तो चाहिए। ये होती है खुरापाती माँ, इसलिए सबसे लास्ट में जाती है ऐसी माँ। मंदिर की प्रोग्राम खत्म हो गई है, तो हम घर जा रहे हैं। घर जाके खाना खाना है, भूख लग गई बहुत तेज। घर जाके खाना खाते हैं। चलो, सब लोग चले गए हैं तो हम ही बच गए अब पीछे। हम लोग भी चलते हैं। रात के 1 बज गए, रात को 12:30 हो गया है, अब 1 बजने वाला है, तो प्रसाद लेते लेते काफी टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं। A few moments later. अभी आ गए हैं नीचे से, तो सब लोग सो गए, बच्चे खाना खा के और ये बड़ी वाली और मैं ही रह गए, तो हम लोग भी खा के, ये भी है, ये अभी नीचे हमारे साथ ही आए हैं, तो अब खाते हैं खाना, तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज थक गए हैं जन्माष्टमी की मेहनत की वजह से, तो अब खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद में मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भेजना। ओके बाय।